टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौजूद हैं। टाटा की इलेक्ट्रिक कार की रेंज टियागो ईवी से शुरू होती है और सबसे टॉप मॉडल नेक्सॉन ईवी मैक्स पे खत्म होती है। अब कंपनी ने कंफर्म किया है कि वह जल्द ही पंच ईवी के रूप में एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की तरफ से आने वाली नई पंच ईवी के बारे में। इसमें आपको रेंज कितनी मिलेगी, इसकी प्राइस क्या होगी और ये कब लॉन्च हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त मिथे सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियोस छोटे होते हैं लेकिन उनमें जानकारी पूरी और सही होती है। ये वीडियो भी छोटा है लेकिन आपको इस फिल्म में पूरी जानकारी दूंगा। टाटा के कार पोर्टफोलियो में पंच ईवी को टियागो ईवी और नेक्सॉन ईवी प्राइम के बीच में पोजीशन किया जाएगा। पंच इलेक्ट्रिक में दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिल सकता है। इस इलेक्ट्रिक कार की फुल चार्ज में रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर के बीच हो सकती है। पंच इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल पावर्ड मॉडल वाले फीचर्स मिलना जारी रहेंगे, जिनमें 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो फोल्डिंग ORVM, क्रूज कंट्रोल, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग और EBD के साथ ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी इसमें मल्टी मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग और लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे सकती है। ये टाटा की पहली इलेक्ट्रिक कार है जो कंपनी के लेटेस्ट अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। अल्फा प्लेटफॉर्म पर कई बॉडी स्टाइल कारों को तैयार किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर ICE यानी कि पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर ट्रेन वाले मॉडल बन सकते हैं। एल्ट्रोस भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। पेट्रोल पावर टाटा पंच की कीमत 6 लाख रुपये से लेकर 9,54,000 रुपये एक्स शोरूम के बीच है। इलेक्ट्रिक पंच की प्राइस करीब 12 लाख रुपये से शुरू हो सकती है, जो कि एक्स शोरूम होगी। कंपनी इसे जनवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो 2023 में पेश कर सकती है। इसका कंपैरिजन अपकमिंग सीट्रन EC3 से होगा और ये नेक्सॉन ईवी प्राइम से सस्ती भी होगी। दोस्तों, पंच ईवी के बारे में मुझे जितनी भी जानकारी मिली थी मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे और कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं उसका वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।